नमस्कार जी, कैसे हैं आप? दोस्तों, सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन है, आप जानेंगे तो रह जाएंगे चौकन्ने। दोस्तों, कोई लाखों वर्ष तो कोई हजारों वर्ष पुराना मानता है सनातन धर्म को, लेकिन क्या सच है? आओ हम कुछ महापुरुषों की जन्म तिथियों के आधार पर जानते हैं कि कितना पुराना है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। हिंदू धर्म की पुण्य शुरुआत 12 कल्प से होती है। इससे पहले पद्म कल्प, ब्रह्म कल्प, हिरण्य गर्भ कल्प और महत कल्प बीत चुके हैं। दोस्तों, हमारे जो गुरु नानक देव हैं, 500 वर्ष पहले हिंदू धर्म, सुख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ और 22 सितंबर 1539 को उन्होंने देह छोड़ दी। गुरु परंपरा के सभी 10 गुरुओं द्वारा भारत और सनातन धर्म रक्षित हुआ। बाबा रामदेव 650 साल पहले हिंदू धर्म की स्थिति क्या थी? दोस्तों, बाबा रामदेव का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ और 1385 ईस्वी में उन्होंने समाधि ले ली। द्वारकाधीश की अवतार बाबा को पीरों का पीर, रामसा पीर कहा जाता है। झूले लाल 1000 साल पहले सनातन धर्म। सिंध प्रांत के हिंदुओं की रक्षार्थ वरुण देव ने झूले लाल के रूप में अवतार लिया था। पाकिस्तान में झूले लाल जी को जिंद पीर और लाल शाह के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1007 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोरक्षनाथ 1100 साल पहले सनातन धर्म की स्थिति दोस्तों क्या थी? राहुल सक्रतायन के अनुसार महान योगी गुरु गोरक्षनाथ या गोरखनाथ का जन्म 1845 ईस्वी को हुआ था। 9वीं शताब्दी में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार होने का उल्लेख मिलता है। गोरखनाथ लंबे काल तक दोस्तों जीवित रहे थे। आदि शंकराचार्य 1200 साल पहले सनातन धर्म। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को पुनर्गठित किया था। उनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ और 820 ईस्वी में उन्होंने मात्र 32 वर्ष की उम्र में देह छोड़ दी थी। उन्होंने 4 पीठों की दोस्तों स्थापना की थी। केरल में जन्म और केदारनाथ में उन्होंने समाधि ले ली थी। वैसे 4 मठों के गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आदि शंकराचार्य का जन्म 508 ईसा पूर्व हुआ था। 788 ईस्वी को जिन शंकराचार्य का जन्म हुआ था वे अभिनव शंकराचार्य थे। सम्राट हर्षवर्धन 1400 साल पहले सनातन धर्म। महान सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में और मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक दिया गया। इसका उल्लेख दोस्तों भविष्य पुराण में मिलता है। हर्ष के शासनकाल में ही चीन यात्री हेन सांग आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय 1650 साल पहले सनातन धर्म। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। उनका शासन 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा। महाकवि कालिदास उसके दरबार की शोभा थे। सम्राट विक्रमादित्य 2100 साल पहले ही सनातन धर्म की क्या स्थिति थी? विक्रमादित्य के पिता गंधर्व सेन और बड़े भाई भर्तहरि थे। कली काल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उनके काल में सनातन धर्म ने महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। वे एक ऐतिहासिक पुरुष थे। आचार्य चाणक्य 2300 साल पहले सनातन धर्म। चाणक्य का जन्म
ईसा पूर्व 371 में हुआ था दोस्तों, जबकि उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, वेद कथा कोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ महावंश, जैन पुराण आदि में दोस्तों मिलता है। चाणक्य के समय ही भारत पर सिकंदर का दोस्तों आक्रमण हुआ था। भगवान महावीर स्वामी 2650 वर्ष पहले सनातन धर्म, जैन धर्म के आचार्य चाणक्य 2300 साल पहले सनातन धर्म। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 371 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। चाणक्य के समय ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। भगवान महावीर स्वामी 2650 वर्ष पहले सनातन धर्म, जैन धर्म के पुण्य स्थापक महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व भगवान महावीर स्वामी 2650 वर्ष पूर्व सनातन धर्म, जैन धर्म के पुण्य स्थापक महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 599 में हुआ था। वे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उनके काल में भी सनातन धर्म भारत का प्रमुख धर्म था। उनके काल में ही भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व ने अपना एक नया धर्म स्थापित किया था। भगवान पार्श्वनाथ 2850 वर्ष पहले सनातन धर्म। दोस्तों, भगवान महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे। माना जाता है कि उनके काल में सनातन धर्म भारत का राज धर्म हुआ करता था। पार्श्वनाथ के समय भारत में बहुत शांति और समृद्धि थी। भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले सनातन धर्म। ऐतिहासिक शोध के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व मथुरा में हुआ था। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। गीता हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है। भगवान श्री राम 7000 वर्ष पहले सनातन धर्म। शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। राम के जन्म के समय आकाश में पूर्णवसु नक्षत्र के दौरान 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे। वाल्मीकि द्वारा बताई गई स्थिति आज 7131 वर्ष पहले निर्मित हुई थी। व्यस्त मनु 8500 वर्ष पहले सनातन धर्म। दोस्तों, अनुमानित रूप से 6673 ईसा पूर्व व्यवसत मनु हुए थे। इन मनु के काल में ही जल प्रलय हुई थी। कई माह तक व्यवसत मनु और उनके लोगों द्वारा नाव में ही गुजारने के बाद उनकी नाव गौरी शंकर के शिखर से होते हुए जल के उतरने के साथ ही नीचे उतरी। तब फिर से धरती पर मनुष्यों का जीवन चक्र चला। माथुरों के इतिहास में उनके होने की यही तिथि लिखी है। सम्राट ययाति 9000 वर्ष पूर्व सनातन धर्म। सम्राट ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे। पहले पुरु, यदु, तुर्वर्ष, अनु और द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। अनुमानित रूप से 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9217 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। 5 पुत्रों ने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रुहु से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। याति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में हुए थे। स्वयंभू मनु 11000 वर्ष पहले सनातन धर्म। दोस्तों,
मातरों के इतिहास के अनुसार स्वयंभू मनु अनुमानित 9057 ईसा पूर्व हुए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ स्वयंभू मनु से पांचवी पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभू मनु प्रियव्रत अग्निग्र नाभि और फिर ऋषभ। ऋषभनाथ के दो पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट भरत और बाहुबली। स्वयंभू मनु और धरती का पहला मानव माने जाने के कई कारण हैं। धर्मशास्त्र और प्राचेतस मनु को अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। ब्रह्म 14,000 वर्ष पहले सनातन धर्म। अनुमानित रूप से लगभग 12,000 ईसा पूर्व भगवान ब्रह्मा के कुल की स्थापना हुई। ब्रह्मा के प्रमुख पुत्र थे मारीची, अत्री, अंगिरस, पुलत्स, पुलय, क्रेतु, भृगु, वशिष्ठ, द्रक्ष, गंधर्व, नारद, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। स्वयंभू मनु और चित्रगुप्त। मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप थे, जिनके देवता, दैत्य, दानव, राक्षस आदि सैकड़ों पुत्र थे। ब्रह्म को प्रजातियों की उत्पत्ति का श्रेय जाता है। नीलवारा 16,000 वर्ष पहले सनातन धर्म। कहते हैं कि लगभग 14,000 विक्रम संवत पूर्व अर्थात आज से 15,923 वर्ष पूर्व भगवान नीलवारा ने अवतार लिया था। नीलवारा काल के बाद आदि बारा काल और फिर श्वेत बारा काल हुए। इस काल में भगवान बारा ने धरती पर से जल को हटाया और इसे इंसानों के रहने लायक बनाया था। उसके बाद ब्रह्मा ने इंसानों की जाति का विस्तार किया और शिव ने संपूर्ण धरती पर धर्म और न्याय का राज कायम किया। इससे पहले लोग स्वर्ग या कहें कि देवलोक में रहते थे। हालांकि मानव तब भी था, लेकिन सभ्यता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इसमें अनुमानित और पुराणों में प्राप्त है कि सनातन धर्म की यह कहानी 12 कल्प से ही शुरू होती है, जबकि इससे पहले का इतिहास भी पुराणों में दर्ज है, जिसे मुख्य 5 कल्पों के माध्यम से बताया गया है। जम्बूद्वीप का पहला राजा स्वयंभू मनु हुए ही था। पीढ़ियों का उल्लेख। ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के वैश्वत मनु हुए। 6673 ईसा पूर्व वैश्वत मनु हुए थे। वैश्वत मनु के कुल की 64वीं पीढ़ी में भगवान राम हुए थे और राम के पुत्र कुश की 25वीं पीढ़ी में शैल हुए, जो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत का युद्ध 3000 ईसा पूर्व हुआ था। प्राचीन ग्रंथों में भगवान मानव इतिहास को 5 कल्पों में बांटा गया है। हम्मत कल्प 109,800 वर्ष विक्रम संवत पूर्व से आरंभ होकर 85,800 वर्ष पूर्व तक। हिरण्य गर्भ कल्प 85,800 विक्रम संवत पूर्व से 61,800 वर्ष पूर्व तक। ब्रह्म कल्प 60,800 विक्रम संवत पूर्व से 37,800 वर्ष पूर्व तक। ब्रह्म कल्प 60,800 विक्रम संवत पूर्व से 37,800 वर्ष पूर्व तक। पद्मकल्प 37,800 विक्रम संवत पूर्व से 13,800 वर्ष पूर्व तक और 12 कल्प 13,800 विक्रम संवत पूर्व से आरंभ होकर इस समय तक चल रहा है। अब तक 12 कल्प के स्वयंभू मनु, सर्वोच्चिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रेवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैश्वत मनु के मनंतर बीत चुके हैं और अब वैश्वत तथा सावणी मनु की अंतर्दशा चल रही है। सावणी मनु का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से 5,630 वर्ष पूर्व हुआ था। दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।